टाट इन द नेमाफल द मोस्ट केशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल असल वरम्ह वरक गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट इट्स टाइम टू योर इंग्लिश लेक्चर सो वेलकम टू द डायरेक्शन ग्रुप ऑफ स्कूल डियर स्टूडेंट गेटिंग कोविड नाइन्टीन वैक्सीन टुडे सेकेंड जून ट्वेंटी ट्वेंटीडे टेक आउटर ग्रामर स्किल बुक Today our topic of discussion is pronoun. So open your book, page number three, and collect all the tools that are necessary for your lecture. Today our lesson objective is to discuss the use of verb. We will perform an activity about verb and also discuss in detail that is pronoun. Firstly, we discuss the collective noun. That is the remaining part of our previous lecture. Basically, a collective noun is the special name that is given to a number of things, animals, or people that are grouped together and spoken as one whole. कलेक्टिव नाउन एक ऐसी नाउन की टाइप है जब बहुत सारी चीज जैसे एनिमल्स अगर एक ग्रुप हो उनका जब वो ग्रुप होता है एक होल हो यानी एक ग्रुप में हो जब कोई भी तो उसे क्या कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन लाइक अगर अगर क्रिकेट टीम है क्रिकेट की टीम है तो अगर क्रिकेट के प्लेयर को नहीं हम टीम को बोलेंगे जब सारे उसके टीम के प्लेयर होंगे तो वो क्या होगी कलेक्टिव नाउन इसी तरह एग्जाम्पल है आर्मी सोल्जर्स की इसकी एक्टिविटी सॉल्व करते हैं नेम सम ग्रुप्स डैट शू गुड फाइंड इन द लोकेशन बिलो यू मे यूज़ क्लेक्टिव नाउन इन द बास टू हेल्प यू ये डिफरेंट वर्ड्स हैं इनको हमने यूज़ करना है नीचे हमें एक्टिविटी गिवन है उन्होंने वर्ड्स दिए हैं हमने जो स्पेसिफिक इसके साथ वर्ड अटैच uh, हो सकते हैं हमने वो करने हैं फर्स्ट वन बाक्स में है ट्राइब स्ट्रिंग ट्रोप बेंच प्राइज कॉन्ग्रीगेशन बैंड पॉट हॉट कम सेट इस तरह आप हमने देखे जो फर्स्ट वन है ऑन अ स्टेज तो स्टेज पे क्या होगा अगर हम इन वर्ड में इसे यूज करते हैं ट्राइप स्ट्रिंग ट्रोप तो क्या करेंगे ए बैंड ऑफ म्यूजिशन ऑन द स्टेज बैंड ऑफ म्यूजिशियन या ट्रोप ऑफ सिंगर्स देन इन आ चर्च चर्च में क्या होगा कॉन्ग्रिगेशन का मतलब होता है एक ग्रुप हो जैसे रिलीजियस कम्युनिटी एक हो जो जैसे गाइड करते हैं रिलीजियस पर्सन की कम्युनिटी हो तो उससे कहते हैं असम्बली पर्सनस कॉन्ग्रीगेशन ऑफ चर्च गोर्स के चर्च में जो उनकी वो रिलीजियस हैं उनको देने के लिए जो कम्युनिटी के टाइप में बैठते हैं अपना वो रिलीजियस अपनी बातें सुनते हैं वो चर्च में इन अ कोर्ट हाउस बेंच ऑफ जजिस इन अफ्रीका हॉज ऑफ नेटिव इन आर ज्यूलरी बक्स ज्यूलरी बक्स में क्या हो सकता है स्ट्रिंग ऑफ बॉल्स पेयर ऑफ एयर रिंग्स इन दोशन पॉड ऑफ वेल्स इन आर किचन सेट ऑफ प्लेट्स इसके अलावा किचन में आप अपने से भी लिख सकते हैं अगर कोई इधर आप कोई एग्जाम्पल नज़र आ रही है तो उसको भी आप कर सकते हैं कंबाइन सेट को यूज़ करते हुए नेक्स्ट है ग्रामर हेल्प। यूजुअली यू थिंक ऑफ कलेक्टिव नाउ एज अ सिंगल बॉडी सो यू यूज सिंगुलर वर्क विद देम। फॉर एग्जांपल, द आर्मी ऑफ सोल्जर लुक्स वेरी इम्प्रेसिव हाउ एयर वैन यू थिंक द ग्रुप एज इंडिविजुअल प्लूरल वर्क विद द डैड क्लेक्टिव ना इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अंडरलाइन द मोर अप्रोप्रिएट वर्क फॉर ईच सेंटेंस द कंपनी ऑफ़ एक्टर वाज वैप्पी टू परफॉर्म फॉर द कोइन अब इसमें देखें द कंपनी ऑफ एक्टर वाज हैप्पी क्योंकि इसमें हमने प्लूरल नहीं यूज़ करेंगे द कमने क्या कहा है ऊपर हमें कि जब हम सिंगल बॉडी को यूज़ करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं इसके साथ जब कोलेक्टिव न उनको ऐसा हम सिंगल बॉडी लेते हैं द कंपनी ऑफ एक्टर्स वाज तो उसको हमने सिंगुलर वर्ब लिया है तो वो कलेक्टिव था हैप्पी टू परफॉर्म द कोइंग देन सेकेंड है आ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल डज नॉट कॉस एज मच एज अ डायमंड रिंग आ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स था तो इसके साथ भी डज सिंगुलर फॉर्म यू डज नॉट कॉस्ट एज मच एज अ डायमंड रिंग द जरी इज मेड अप ऑफ ट्वेल्व पीपल इसके देखें थ्री या फोर में द जूड़ी इज़ मेड अप ऑफ ट्वेल्व पीपल एंड द जूड़ी ऑल स्टिल मेकिंग अप देयर माइंड इस पर अगर आप डिफ्रेंस देखें पहले उन्होंने यूज़ किया जो जरीका एज अ ग्रूप यूज़ किया कि जो एक ग्रुप होता है उनका जरीका वो ट्वेल्व पीपल पर कंसिस्ट करता है सेकेंड पर उन्होंने प्लूरल फार्म यूज़ की है कि वो जित जितने भी इनके जूरी हैं वो अपने मेकअप मेकिंग अप देयर माइंड तो इधर ये प्लूरल की फार्म में यूज़ होगा द सिंफनी और केस्ट्रा इज़ प्लेइंग हेयर नेक्स्ट वीक इधर भी ऑर्केस्ट्रा जो है वो एज अ ग्रुप यूज हुआ क्लेक्टिव नाउन देन दर्केस्ट्रा आर स्टिल ट्यूनिंग अप देर इंस्ट्रूमेंट यानि कि जब इधर यूज हुआ है तो ऑर्केस्ट्रा जो आर स्टिल ट्यूनिंग आप उनको प्लूरल की फार्म में लेंगे आवर टीम आर वेयरिंग देयर न्यू शूज आवर टीम इज द बेस्ट इन स्कूल द ऑफिस स्टॉफ इज़ इंजॉय द आउटिंग The crowd spectator rushes forward as each celebrity arrives. I hope you understand the noun and verb because we already discussed in our previous lecture. Now we will discuss detail in pronoun. It is a simple page. Pronoun. Pronoun have a different type. First one is personal pronoun. Personal pronouns are those nouns that take place of the noun. They can be subject or the object of the sentence. Like the pronoun I, you, he, she, it, we, they are used in the subject position. The pronoun me, you, him, her, it, us, them are used in the object position. Right? often use a first person and second person pronoun to express opinion this make readers feel as thought the writer is addressing them personally this technique is used a lot in the writing of ex expositions Abhi, uh, jo hai personal pronoun, kya उन्होंने कहा कि नाउन की प्लेस पे यूज होता है ये सब्जेक्ट में भी यूज हो सकता है ऑब्जेक्ट में जिनसे जो उन्होंने बोल्ड फॉर्म में आया लिखा हुआ है ये सारी पर्सनल प्रोनाउन की एग्जांपल है लेकिन कुछ हैं जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे यूज होते हैं कुछ सब्जेक्ट की पोजीशन पे यूज होते हैं अगर इन्होंने ब्लैंक्स गिवन की हैं फिल इन दी ब्लैंक्स इन दिस शॉर्ट एक्सपोजिशन यू नीड टू तो, यू नीड अ सूटेबल प्रोनाउन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन एज वेल एज रिफ्लेक्सिव जिस कहते हैं आप रिफ्लैक्सेस भी यूज रिफ्लैक्सि कौन से थे हमने पढ़े थे माय सेल्फ अवर सेल्फ योर सेल्फ इस तरह योर सेल्व ये हमने रिफ्लैक्सिस भी यूज़ कर सकते हैं उन्होंने अभी जो हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पोजीशन का कहते हैं उन्होंने एक पैराग्राफ दिया है हमने जो जिधर ऑब्जेक्ट लगता है या सब्जेक्ट लगता है हमने पोजिशन के अकॉर्डिंग उधर राइट डाउन करना है मैनी पीपल टू डे लीड इन इनएक्टिव लिवस हाउ डू ब्लैंक प्रेफर टू स्पेंड यू ले टाइम तो क्या होगा हाउ डू आई तो नहीं होगा ना हाउ डू आई हाउ डू यू प्रेफर टू स्पेंड योर टाइम देन है आर आर ब्लैंक अ लेजी काउच पटाटो आर आई तो ना आर यू अ लेजी काउच पटाटो टू इफ सो यू मे वॉन्ट टू सीरियसली रिकन्सिडर योर लाइफ स्टाइल माई फ्रेंड एंड माई फ्रेंड के साथ क्या होगा माई फ्रेंड एंड जो तो नहीं My friend and I used to like that, but we have changed. These days, we are not the kind of student. Okay? we are not kind of student who sit in the front of a television set or a computer for hours on end. In fact, our parents actively encourage us. Okay? Our parents actively encourage us. To get outside and explore the outdoor to exercise and breathe fresh air. As for myself. As for myself, I have learned balance my study. Up now, myself, I have learned to balance my study with layer activities. Since then, my examination mark have improved amazingly. Examination marks and and my no. And I feel so much more energetic. माई पेरेंट्स आर वेरी प्राउड ऑफ अब माई पेरेंट्स है तो प्राउड में मी होगा ना प्राउड में योर तर पेरेंट्स आर वेरी प्राउड ऑफ मी बट बेस्ट ऑफ ऑल आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ लेकिन कहते हैं मुझे खुद पर भी आई आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ सर ये आपका सैंपल पेज है देन नेक्स्ट है पोजेसिव पर नाउन पोजैसिव प्रोनाउन टॉक अबाउट थिंग्स बिलोंगिंग टू पीपल यानी कि जो पोजेसन शो करें कि चीज़ मेरी है दे माइन योर हीज हर इट्स देयर आवर्स दैन इंडेफिनेट पर डो नॉट स्टैंड एनी पार्टिकुलर पर्सन ऐसे जो किसी पार्टिकुलर पर्सन को डिनोट नहीं करते हैं जैसे एनी वन समन समल्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट विच वन आर टॉकिंग अबाउट डेमोंस्ट्रेट करते हैं किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं कि किसके बारे में दीज डैट दिज दोज

अब भी उन्होंने एक हमें एक्टिविटी गिवन किया है दी ईच सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन बोल्ड प्रिंट राइट द टाइप ऑफ प्रोनाउन ऑन द लाइन आफ्टर द सेंटेंस द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू कहते हैं हम ये, जो बोल्ड में वर्ड लिखे हैं उनकी हमने टाइप को आइडेंटिफाई करना है ऊपर उन्होंने हमें डिटेल में दिया है उनकी एग्जाम्पल्स को देखते हुए दे आर गोइंग टू सिनेमा टुमारो तो दे क्या है दे हमें कौन सा प्रोनाउन पढ़ा है

दो इस किस्में हमने देखा था दिच पॉइंट आउट वन और वनस आर टॉकिंग अबाउट दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रो नो दी स्मेली सॉक्स मस्ट बी हिज हिज हर किस्म यूज होता है पोजेसिव प्रोनो कैन सम बड़ी हेल्प मी वी दिज हेवी बैग तो ये क्या है सम uh, बड़ी क्या था इनडेफिनेट प्रोनो द पोलिस ऑफिसर वॉन्ट अज नॉट टू लीव अवर बाई साइकिल ऑन लॉक्ट तो यहाँ से यह पर्सनल प्रोनोन They con they congratulating each other on winning the doubles in the tennis tournament. That is reciprocal noun because in each person personal group is doing the same thing. Why are you afraid of them? Them is, uh, is a personal pronoun. You can't take that. It is mine. It is a possessive pronoun because it, sh it shows some possession, but also it is a demonstrative pronoun because it. Uh, also point out the uh, it is also point out which one you are talking about the use of debt. So both form are acceptable. Okay, student, your homework task is understand and solve the section E and of F on your book. Lesson number two pronouns. Solve page number five and six and also understand the lecture. If you don't understand anything, please ask me. Stay home, stay safe. Allah hafiz.